आया क्या? ठीक है, चलो बता दो। ये आपसे पूछ रहे थे फिर से। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। अरे कैसे हो? आ जाइए सुरेश भाई। आ जी, आइए चलिए चलिए चलिए। पीछे देखना भाई, ट्राइपॉड में जमाना हो जाओ। चलो यार अमर भाई, बढ़िया है। पोस्टर पे, पोस्टर पे चलो ना। देख रहे ना, ऐसी ऐसी मैडम जी सामने सामने सर जी सामने एकदम यहाँ पर। समर पता यहाँ पर चलो 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 जी। आप मर्जी आपकी। वेट वेट वेट, 6 सेकंड हुआ है। 6 सेकंड। Thank you guys. Thank you. क्या बात? Thank you. Thank you. जी. 2 सेकंड? हाँ. ऐसा वाला. एक ऐसा चाहिए इनको यार. आजा यार. आजा. तो पानी पीके दूर से. बारिश. बारिश. बारिश हो रही है वहाँ पे. हॉट पोल है तो यार. कैसे? रिक्रीएट. ये कैसे हो रहा है यार ये? जैसे ताजमहल बना था उसके बाद हाथ कट गया था तो कैसे हुई बता नहीं आप बताइए ये। हाँ सेम है, सेम है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय शरद के चाचा, बहुत बढ़िया। We can call them up.
All right, then we have the director for this song. Again, our handsome man, Mr. Arshad Siddiqui. Talia, come on, Talia, let's be sitting here. Come on, guys. Very handsome man. Thank you. Okay, then we have the producer and the owner of InfoVision Entertainment, Mr. Mukesh Sharma. Then, ये जो गाना जिसने गाया है, दिल में आवाज लगती है यार. Come on, let's call the singer of this song, Altamesh Faridi. Is he here? Yeah, where is Altamesh? Okay, no problem. Okay, then we can have the lyricist and the music composer for this beautiful, beautiful song, Mr. Liaqat Ajmeri. Zorda Chaliya! Then the TOP of the song, Mr. Marshall Khan. Chaliya, come on. Give him a huge round of applause, everyone. Awesome. Then, इतनी अच्छी एडिटिंग करी है तो एडिटर को भी थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा यार. Come on, the editor of this song, Mr. Hardik Singh Green. Is he over here? He's not here? Okay. And then the choreographer, Vicky Khan. He's not here. Okay. A huge round of applause. Put your hands together for this wonderful, wonderful cast over here, guys. Zor Raha Thalia. Thank you. ओके अब मेरी दरख्वास्त है हमारी पीआरसी मीडिया टीम से कि आप सब आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सब से पूछ सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सर. जी सर, द सेंटर माइक. हां जी, चलिए प्रोसेसिंग है तो जी चलिए चलिए सर. आप दोनों साथ में, आप दोनों साथ सर. बहुत प्यारा सॉन्ग है, मुझे खास करके बहुत पसंद आया. मैं जानना चाहूंगा आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया है. उनके सामने पहली बार रिलीज है, तो मेकर्स है वो एक्चुअली यही चाहते थे. और आप लोग बताइए कैसा लगा, क्योंकि एक्चुअली वीडियो ऑडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे. चाहते हम दोनों को पहली बार जब ऑडियो सुना था और तो मुझे इनफैक्ट याद है कि मैंने पूछा सिंगर कौन है, तो मुझे सर ने कहा कि अल्तमाश ही होंगे शायद. तो अल्तमाश ने गाया बहुत अच्छा है, जो हमारे जो जिन्होंने लिरिक्स लिखा है हमारे लियाकत भाई है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. और फाइनली आई थिंक चांदनी अब जब गाने में आए तो बहुत मज़ा आया. जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बारिश का गाना शूट करना ईजी नहीं होता है, लेकिन एक ही रात की पूरी कहानी है और बहुत मज़ा आया. आप कुछ कहना चाहेंगे, कितना मज़ा आया आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आया. इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद हिम एंड विद द होल टीम. बट शरद को मैंने देखा है हमेशा टीवी पे एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम की वी कोलैबोरेटेड फॉर प्रोजेक्ट एंड इट वाज रियली फन टू वर्क विद हिम. और अभी तक टीजर ही आउट हुआ था तो सबने वही देखा था, सब फ्रेंड्स ने, सो एवरीवन लाइक द केमिस्ट्री एंड नाउ दिस इज़ द प्रोडक्ट आपके सामने. सब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स. सवाल सोचने पड़ते कि वो पहले से शुरू करो, कौन सा सवाल पूछूं. ये बताइए, फिर से एक नया सॉन्ग लिस्ट में ऐड हो चुका है, जिसने मैंने आपसे हाँ मुलाकात जो की थी तब मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ शरद सर डाल दो तो गानों की लिस्ट आ जाती है, तो फिर से बारिश भी ऐड हो गया. और बारिश चलेगी तो मेरा नाम आ जाएगा. बारिश वही बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम जैसे कॉमन पीपल जब बारिश में गीले होते तो हमको आजू बाजू वाले पहचान नहीं पाते, पर जब कोई एक्टर गीला होता है यार तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है. मतलब क्यों ऐसा? नहीं, मैं बारिश ही बात कर रहा था. नहीं, बारिश में क्या होता है ना कि एक्टर के अंदर वो कीड़े होते हैं खास करके, कि वो जैसे ही बारिश होती है तो बाल ठीक करने लग जाते हैं, थोड़ा हल्के से चलना थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो एक्टर के वो इनबिल्ट एक्टर वैसे ही होता है. लेकिन कॉमन आदमी क्या है, बारिश होता है तो भागता है कि जल्दी छाता पकड़ ले, कैमरा लोग कहीं छाता पकड़ ले या छज्जे के नीचे आ जाए, है ना, तो वो डिफरेंस होता है.
बट एक्टर का क्या है वो इन्वर्ट ही होता है, वो थोड़ा स्टाइल मारी लेगा एक्टर हो या एक्ट्रेस कोई भी। अगर गाने की बात करें तो आपके डांस काफी ज्यादा इंप्रोवाइजेशन, मतलब जिस तरीके से आपने इसमें डांस किया, खैर ज्यादा डांस नहीं आपने, बट आपने जो सिंगल स्टडी में जो डांस किया एकदम एनर्जेटिक, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। एकदम जोश आ गया, हीरोइन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसका जोश था पहली बार कोलैबोरेशन है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही है, खूबसूरत है और वेरी टैलेंटेड, और अच्छा लगता है यार जब दो टैलेंटेड लोग, अगर मैं अपॉर्चुनिटी को लूँ तो डेफिनेटली दो गुड लुकिंग पीपल स्क्रीन पर आए तो बारिश होती है, कुछ भी कड़कती है और गाना अच्छा लगता है और रोमांस होता है। और रोमांस होता है बिल्कुल, रोमांस तो जरूरी सबकी लाइफ में यार, ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छा होता है जी। आपने तो मैम को रोक ही लिया जाने से। मैम को मैंने नहीं रोका, नहीं एक्चुअली बारिश ने रोक लिया, आप जो कह रहे थे एक्सपीरियंस के बारे में अगर खुल के बताना चाहते तो क्या बताना चाहेंगे सर के साथ? कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक्टर के साथ फर्स्ट टाइम काम करते हैं, सो हेजिटेशन होता है या थोड़ा डर होता है एज अ न्यू कमर, बट इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करवाया और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मतलब इट वॉज रियली कम्फर्टेबल। फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे, हम एक्चुअली मिले भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे कभी एग्जैक्टली किसी इवेंट में या आप लोगों के साथ, एक बार मिले इनका कोई और सॉन्ग लॉन्च था, अच्छा मेरे किसी और सॉन्ग, और इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया था। मैंने खुल के बताइए कि मतलब नहीं, बट ये एक्चुअली इनवाइटेड थी, ये गेस्ट थी, मतलब मैंने नहीं किया था, बट तो हमारे किसी टीम में किसी ने आपको जाहिर सी बात है बैठे क्या वैसे गेट क्रैश करके आ गए? मैं किसी के साथ आ गई। क्या हो गया? अच्छा पता है, मेरी फ्रेंड इनवाइटेड थी और मैं उसके साथ ऐसे ही चली गई। ऐसा क्या? अच्छा, सब एक दूसरे को सुनते से इनवाइट थे। हां, उसके बाद हमें सामने गाना किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम जब आपके पास ये स्टोरी आई तो किस तरह क्या कुछ प्लानिंग थी आपकी? क्या आपके तो बाएं हाथ का खेल हो गया है, तो शूट करना गाने का बाएं हाथ का खेल है, तो फिर किस तरीके से बात आई? और दाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब म्यूजिक वीडियो की तरह से मज़ा आता करने में, और म्यूज़िक जाहिर सी बात सबको पसंद है, और जब तक अच्छे वीडियोस बनते रहेंगे करते रहेंगे तब तक लोग सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि अभी नए नए यंगस्टर्स, नए नए यूथ और नए नए टैलेंट सामने आ रहे हैं, तो वो हर टैलेंट आपकी तलाश में कि यही एक बंदा जो अपने साथ सॉन्ग में काम करने को तैयार भाई, तो इन्हें ही अपने साथ एकदम हाई यार, ऐसी बात नहीं, इनके साथ तैयार कर मतलब काम करने के बहुत सारे लोग तैयार है, इनकी बात या किसी भी नए नए इंसान की मिलती है जिनके साथ जो शायद म्यूजिक वीडियो के जॉनरा में बहुत फ्रेश है, आई थिंक वो ट्रस्ट शायद, देखिए वो मैं तो नहीं कह पाऊंगा, वो जो काम करता है वही लोग कह सकते हैं, बट या आई ट्राई एंड मेक माई एक्टर्स वेरी कम्फर्टेबल, सिर्फ एक्टर्स नहीं पूरी टीम को भी उसकी प्लेट पर लेना, बाकी तो फिर ऑब्वियसली देखिए आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल एक 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 कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन होगी, तो वो तो होना चाहिए। और अपने फैंस और ऑडियंस के लिए क्या बताना चाहेंगे, आप कब आपके नए गाने आने वाले, क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? बहुत लंबी लिस्ट है, दो घंटा बताएंगे मैम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन था, आप गाना आया बहुत लोगों को पसंद भी आएगा, आप जैसी बात जाएगा, आप अपने तरफ से क्या कुछ फैंस एंड ऑडियंस के लिए अपील करना चाहेंगे? देखो किसी भी लड़की के लिए जो हीरोइन बनना चाहती हो और वो भी इंडिया में, ये एक चेकलिस्ट में एक पॉइंट होता है कि मुझे बारिश में साड़ी पहन के डांस करना है और वो भी रोमांटिक, वो विश को मेरी पूरी हो गई। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिले और लोग देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, welcome to someone.